सुप्रीम कोर्ट के चार जस्टिसों ने कहा था कि संविधान खतरे में है, तो क्या वाकई संविधान खतरे में है? क्या है वो संविधान खतरे में, जरा उसके बारे में बताएं कि इतिहास के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों को उतर के सिविलियन जनता के सामने रूबरू होना पड़ा, तो क्या है कि संविधान खतरे में है? नहीं देखिए, इससे दो चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं जो मैं समझ पाता हूँ, बीइंग एडवोकेट भी मैं ये बात बता सकता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चार बहुत ही सीनियर जो जजेस हैं उनको आके पब्लिक में ये बात कहनी पड़े तो हम इसकी गंभीरता समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्टीमेटली ताकत किसके हाथ में है, वो पब्लिक के हाथ में है। उनके हाथ जितने बंधे हुए हैं उसी वजह से उन्हें पब्लिक में आना पड़ा और पब्लिक में कहना पड़ा कि संविधान इस देश का खतरे में है। अब संविधान क्यों खतरे में है? आप देखिए, संविधान में जो काम करने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है, क्या सरकार वो काम कर रही है? क्या काम है सरकार के? सरकार का काम है इस देश में हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा का जो है मूल अधिकार में जो उसका स्थान भी दे दिया गया, लेकिन मूल इस मांग उसमें मूल अधिकारों में स्थान देने के बाद भी क्या इस देश में लोगों को शिक्षा मिल रही है? मैं अगर आपको बहुत छोटे छोटे से आंकड़े बताऊं तो लाखों की संख्या में इस देश में नीचे से लेके ऊपर तक टीचर, पहली क्लास के टीचर से लेके ऊपर प्रोफेसर्स तक की कमी है। तो वो प्रोफेसर्स की कमी, वो टीचर्स की कमी कौन दूर करेगा? सरकार करेगी। स्कूलों की हालत इतनी बदतर है, सरकारी स्कूलों की हालत, कि कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाए कुछ नहीं पता। मैंने ऐसा देखा है कि 600 बच्चे हैं और पढ़ाने वाले हैं 5, तो 600 बच्चों को 5 लोग पढ़ा लेंगे? CBSE का रूल अगर हम देखें तो 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। और अभी आपने देखा कि पिछले 3 साल में जब से ये सरकार है 3.5 लाख प्रोफेसर्स जो हैं उनको निकाल दिया गया, जहां प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है, ये लगातार निकाले जा रहे हैं। लगभग 14 लाख इस देश में प्राइमरी और उसके माध्यमिक शिक्षा के लिए टीचर्स की ज़रूरत है, लेकिन शिक्षा की कोई हालत आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। दूसरा, अगर हम इसमें आ जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की बात, महिला की सुरक्षा की बात, दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और एक तो बड़ा मज़ेदार उदाहरण हुआ कि मोदी जी वहाँ एक प्रोग्राम में थे लखनऊ में, और उसी दिन उसी समय जिस समय प्रोग्राम में थे वहीं एक जो व्यापारी है उसको उसमें घर में उसमें घुस के उसकी दुकान में घुस के मार दिया गया। ये हालत हो रही है। अबे प्रधानमंत्री के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए दिन दहाड़े राजधानियों में कत्ल हो रहे हैं, तो कहाँ है भाई सुरक्षा? सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें तो नौकरियों की हालत, नौकरियाँ कितनी हैं? नौकरियाँ इस देश में आज की तारीख में 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं और सरकार हर दिन नौकरियों को ख़त्म करती चली जा रही है। तो ये जो सारी की सारी स्थिति है, इस सारी स्थिति को सुधारेगा कौन? सरकार सुधारेगी। और सरकार किसके तहत काम करती है? संविधान के तहत। तो संविधान के तहत जो जिम्मेदारी सरकार की है उन्हें निभा नहीं रही, और जो अपने हिसाब से उसे ठीक लगता है उसे वो कर रही है। इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहती है सरकार, और मनुस्मृति का मतलब है, आप सीधे जानते हैं कि अन्याय और अत्याचार पर आधारित इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो है मनुस्मृति। नीचे से लेकर ऊपर जिसमें भेदभाव ही भेदभाव है, महिलाओं को बहुत बदतर स्थिति में जिसमें रखा गया, आदेश दिए गए कि इसको किसी तरह का अधिकार नहीं है, वो है मनुस्मृति। और ये सरकार, बीजेपी की सरकार, 56 इंची चौकीदार की सरकार, उसी संविधान को लागू करना चाहती है। इसलिए संविधान खतरे में है, और इसीलिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस को आके कहना पड़ा। और एक और आपको बता देता हूँ, इससे आप समझ जाएंगे क्यों कहना पड़ा, क्यों संविधान खतरे में है। सबरीमाला का आप देख रहे हैं उदाहरण, सबरीमाला मंदिर है, उसमें आदमी जा सकता, औरत नहीं जा सकती, क्यों भाई? इस देश का संविधान सबको बराबरी का अधिकार दे रहा है, औरत के जाने से क्या हो जाएगा? वो अपवित्र हो जाएगा। अबे ऐसा भगवान है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा देवता है जो औरत के जाने से हो जाएगा, और उस औरत के ही कोख से लेकर वो पंडे जो हैं बैठे, जो उसमें पुजारी बने, जो विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, वो भी, और जिसे तथा कहते भगवान भी कहते हैं, वो भी औरत के पेट से जन्मा है। तो इन हालात में जब देश की, दुनिया की आधी आबादी का अपमान सरेआम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देके परेशान हो रहा है, उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो भैया जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हो रहा तो संविधान खतरे में नहीं तो और कायम है।